Dear students, this is video number 7, that is part 7. In part 6, we have learned how to compare fractions. And if your concept is clear about how to compare fractions, you can easily solve these questions. Okay? That means you can easily arrange the fractional number into ascending order and descending order. Okay? So, first, in the first question, I have taken numerators, I have taken those fractional numbers where numerators are same. Okay? And in the second question, I have taken such fractional number where the denominators are same. Isn't it? So, first of all, ascending order. Ascending order means we have to arrange the numbers from smaller to bigger. Okay? We have to arrange the fractional number from the smallest one to the biggest one. Means, chote se bada. Theek hai? Okay? And in the descending order, we have to arrange the fractional number from highest to the greatest to the smallest. Okay? Like this. Bade se chota. Theek hai? So, let us start. So the first one, as you can see, all the numerators are same. That means we have to determine the fractions by looking at the denominator. And the rule that we will follow is this. When the numerator is same, then the fractional number that has the smaller denominator is greater. So, here when the numerators are all same, you can see, then the fractional number that has the smaller denominator, search, which one is the smaller? Yes, 3 is the smaller. The smallest one, in fact. Okay? 3 sabse chota hai. So, 3 sabse chota hai means, ye fractional number sabse bara hai. Theek hai? So, isko hum kahan rakhenge? Isko hum last mein rakhenge. See? हमें कैसे ऑर्डर करना है? हमें सजाना है छोटे से बड़ा. तो जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शनल नंबर सबसे बड़ा है. तो जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है 10, दैट इज 10 इज द स्मॉलेस्ट वन. ठीक है, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शनल नंबर है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है. ठीक है, डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है ना, जब हम कंपेयर करते हैं उन फ्रैक्शनल नंबर को जिसके न्यूमरेटर में सब इक्वल है, न्यूमरेटर सारे इक्वल है. ठीक है, दैट मींस 2/10 इज द स्मॉलेस्ट वन. सो वी विल राइट 2/10. ओके, देन वी विल गिव दिस साइन. ओके, इसके बाद कौन सा सबसे 10 है सबसे बड़ा? इसके बाद 8, isn't it? तो वी विल राइट 2/8. आफ्टर दैट 2/7. आफ्टर दैट 2/5. एंड नेक्स्ट वन 2/3. 2/3 सबसे बड़ा है, इसीलिए तो हमने 2/3 लास्ट में लिखा है, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा हमें अरेंज करना है, छोटे से बड़ा. तो सबसे छोटा है 2/10. और क्यों सबसे छोटा है 2/10? बिकॉज न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर इसका सबसे बड़ा है. और हम क्या जानते हैं, जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा रहता है, जैसे यहाँ पे 3 था, इसमें से जो न्यूमरेटर बड़ा है वो सबसे छोटा हुआ ना, तो इस और जो सबसे छोटा है वो बड़ा है, बड़ा हुआ. सेम रूल वी हैव फॉलोड एंड वी हैव डन दिस. I hope this is clear. Now, we will do the next one. इसमें आप देख सकते हो that the denominators are same. All the denominators are same.
इसमें क्या है, इसमें कैसे करना है, सो वी विल फॉलो द सेकेंड पॉइंट. व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम देन द फ्रैक्शनल नंबर दैट हैज द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर. मतलब इसमें जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है वही फ्रैक्शनल नंबर सबसे बड़ा होता है. तो यहां पे कौन सा सबसे बड़ा हुआ, ये 7/10, क्योंकि 7 सबसे बड़ा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर्स में सबसे बड़ा 7 है, तो ये सबसे बड़ा हुआ. तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, ये है कि नहीं, 1 सबसे छोटा हुआ. और हमें अरेंज कैसे करना है, छोटे से बड़ा. तो सबसे छोटा 1/10. क्यों सबसे छोटा है 1/10, बिकॉज 1 इज द स्मॉलेस्ट आउट ऑफ द स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर आउट ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स. ठीक है, और 7 सबसे ग्रेटेस्ट है. ठीक है, सो वी विल अरेंज नाउ 1/10. दिस इज स्मॉलर स्मॉलेस्ट वन. आफ्टर दैट 3/10 एंड 5/10, 6/10 एंड 7/10 इज द बिगेस्ट वन और द लार्जेस्ट वन. 1/10 इज द स्मॉलेस्ट वन एंड 7/10 इज द लार्जेस्ट वन. ओके, नाउ कमिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर. इन द डिसेंडिंग ऑर्डर यू हैव टू अरेंज फ्रॉम द बिगेस्ट नंबर टू द स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, अगेन देखो इसमें लुक इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑल द न्यूमरेटर्स आर सेम. और जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जो सबसे छोटा है, छोटा डिनोमिनेटर है, वो सबसे बड़ा है. दैट मीन्स 1/2 इज द बिगेस्ट, है ना, लार्जेस्ट. तो 1/2 सबसे बड़ा. और हमें सजाना ही इस तरीके से है, हमें अरेंज ही ऐसे करना है कि बड़ा सबसे पहले रहे और छोटा वाला सबसे लास्ट में रहे, है ना. 2 के बाद, यस, 1/3. आफ्टर दैट 1/4 एंड देन 1/6 एंड लास्ट 1/7. 1/7 सबसे छोटा है. क्यों? क्योंकि किसी हिस्से का तुम 7 पार्ट कर रहे हो और उसमें से एक पार्ट ले रहे हो, और यहाँ पे किसी हिस्से का तुम सिर्फ 2 पार्ट कर रहे हो और उसमें से एक पार्ट ले रहे हो. तो ऑब्वियसली जिस हिस्से का तुम 2 पार्ट करोगे वो हिस्सा, हर एक पार्ट उस हिस्से का ज्यादा बड़ा रहेगा एज कंपेयर्ड टू वो पार्ट जहां पे तुमने 7 पार्ट्स किए हैं एक हिस्से का. मतलब एक कोई चीज का यू हैव डन 7 पार्ट आउट ऑफ विच यू हैव टेकन 1 पार्ट, है कि नहीं. एम आई क्लियर? सो एज यू कैन सी वी हैव अरेंज्ड फ्रॉम द लार्जेस्ट फ्रैक्शनल नंबर टू द स्मॉलेस्ट वन. सो 1/2 इज द लार्जेस्ट, बिगेस्ट एंड 1/7 इज द स्मॉलेस्ट. When the numerators are all same, provided that you have all the numerators that are all equal. Okay? Now coming to the next question. Here you will find that all the denominators are equal. And when the denominators are equal, then what happens? Which is the biggest one? The numerator which have the largest, the numerator which have the larger number is the biggest fractional number, है ना. और वैसे भी यहाँ पे 5/5 means what? You have taken a cake, ठीक है, उसका you have taken a bar cake, you have divided it into 5 equal parts, 1, 2, 3, 4, 5, and you have taken all the parts, all the 5 parts. That means तुमने सारा, you have taken, you have eaten the whole cake. Isn't it? 5/5 means whole, 1. ठीक है, तो obviously ये सबसे बड़ा है. ठीक है, and ऐसे भी देखा जाए then 5 is the greatest out of these numbers, है ना. 5 सबसे बड़ा है, तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे 5/5. ठीक है, क्योंकि हमें अरेंज ही करना है बड़े से छोटा. तो 5/5 सबसे बड़ा है, फिर सबसे बड़ा 4/5,
फिर है 3/5, देन 2/5 एंड द लास्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट है 1/5, 2/5 आफ्टर दैट 1/5, मतलब एक फाइव पार्ट्स का ओनली वन पार्ट। इसमें देखो फाइव पार्ट्स का, इसमें फाइव पार्ट्स का ऑल द फाइव पार्ट्स यू हैव टेकन, मतलब यू हैव ईटन द होल केक, होल बार केक, और यहाँ पे फाइव पार्ट्स का सिर्फ एक हिस्सा तुमने खाया है, तो ऑब्वियसली ये सबसे छोटा है। ओके, सो द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा, एंड असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा अरेंज करना है। एक बार ये समझ में आया, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड दिस टू पॉइंट्स, दिस टू पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप पार्ट 7, द 7th वीडियो इज क्लियर। In the next and the last video, I will explain subtraction and addition. Addition and subtraction of fractional number. That will be the last video or the part 8 of the fractions. Okay, chapter 6, fractions.